पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मानव सेवा भी जरूरी है। छतरपुर के पन्ना रोड पर स्थित संजीवनी हॉस्पिटल की तारीफ जितनी भी की जाए कम है। वैसे तो संजीवनी आईसीयू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छतरपुर के लिए संजीवनी की तरह काम कर रहा है। कहा जाए तो यह अस्पताल पन्ना, टीकमगढ़ और महोबा का सबसे बड़ा आईसीयू है, जिसमें आधा दर्जन वेंटिलेटर सहित तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। बमीठा निवासी अच्छे लाल कुछ दिन पहले इसी अस्पताल में आए थे। हालत गंभीर थी, वेंटिलेटर पर थे और उनके पास पैसे नहीं थे। परिजन बोले कि उनकी छुट्टी कर दी जाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। इस मौके पर यहां पर पदस्थ डॉक्टर ने कहा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, हम मरीज का फ्री इलाज करेंगे, और कई दिनों तक वेंटिलेटर सहित फ्री इलाज किया गया। ऐसे ही दो दिन पहले सोशल मीडिया में एक बेटी के इलाज के लिए मदद की मुहिम चली। जैसे ही डॉक्टर शुभदीप रिचि और मनदीप मेडिया को पता चला, उन्होंने फ्री इलाज करने को कहा और मदद भी की। डॉक्टर शुभदीप रिचि और मनदीप मीडिया के इस मानवतावादी कार्य के लिए उन्हें रामलीला प्रांगण में सम्मानित भी किया गया। हमें ऊपर वाला इतना दे देता है कि हमारी रोटी दाल चलते रहे और किसी की मदद हो जाए। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरा तो उसमें अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो पाता तो हमारे लिए गर्व की बात है। इसके अलावा आज मैं रामलीला आया हूँ। शायद हम में से किसी ने राम जी को देखा नहीं है या कोई भी नहीं देखा है, हम तो बस सुनते आए हैं। ये आप लोगों की मेहनत है, इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोग प्रस्तुत करते हैं रामलीला, ताकि पिछले जनरेशन, आने वाले जनरेशन और आज की जनरेशन अगर ये लोग जान रहे हैं कि राम जी कौन है, हनुमान जी कौन है, भरत शत्रुघ्न जी कौन है, तो ये सब आप लोगों की अथक प्रयास है। ये रात भर ये कार्यक्रम, ये प्लान करना, ये एग्जीक्यूट करना, ये सब अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में ये कंप्यूटर के युग में, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक के युग में कोई भगवान राम जी को याद भी कर पाएगा। तो आपकी जो पंक्तियाँ हैं, आपके जो ये प्रस्तुति है, जो एग्जाम्पल्स हैं, मुझे लगता है इन चीज़ों को और आगे बढ़ाना चाहिए और हमारे युवाओं को, आने वाले जनरेशन को, माताओं को, बहनों को, अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए हमारे हिंदुत्व को, हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। भगवान राम जन जन में पाए जाएं, जन जन में दिखें, ऐसा कुछ हमें प्रयास करना चाहिए।